हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप जो है अच्छे वे से जो है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उन्हें देख पाएँ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। साथ में जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें क्योंकि ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाऊँ। सो लास्ट में जो है ये भी बताना मत भूला कीजिए कि कमेंट करके कि आपको वीडियो में क्या चीज़ जो है अच्छी लगी है। अगर जो है साथ ही साथ अगर आपको जो है इनोवेटिव जो नॉलेज है वो प्रोवाइड हो रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट और करना जो है वो भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट करें ताकि जो है मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके हिसाब से जो है कोई ना कोई चीज़ जो है इनोवेटिव ला पाऊँ जो आपके लिए बेनिफिट हो। सो लेट वी स्टार्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम जो है आज अकाउंटेंसी का टॉपिक कर रहे हैं, जो प्लस वन का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू द इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज जो हैं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज वो होती हैं जो कि प्रोफेशनली वर्कआउट करती हैं अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, हैव बिकम अप विद द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। जो के है उन्होंने एक प्रनाउंसमेंट की है, पहले से ही बोला हुआ है कि जो अकाउंटिंग है वो एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कंसेप्चुअल हो। कंसेप्चुअल मीन्स एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया हो और जिसके साथ जो है अलग अलग टाइप की जो है डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन जो है नीड जो है इंफॉर्मेशन की वो सेटिस्फाई हो पाए और जो है डिफरेंट यूजर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है उनसे क्या कर पाएँ, कलेक्ट कर पाएँ अलग अलग टाइप की जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस टाइप की इंफॉर्मेशन की उन्हें ज़रूरत है उसे कलेक्ट कर पाएँ और उन्हें जो है ऐसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए सिंगल सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। सिंगल सेट ऑफ मीन्स सेम रूल के साथ जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना चाहिए। सो दिस इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है AS का। AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि वो जो है रैशनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर करें या कंस्ट्रक्ट करें बनाएं जो कि है रैशनल हो। रैशनल होता है जिसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली जो है वो बताई होती है पर्सन को, सो दैट जिसमें जो है क्रेडिबल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाए, जिसमें हाई क्वालिटी के सारे जो हैं चीज़ें उनमें दी जाएं जिसके हिसाब से जो है वो वर्कआउट कर पाएं। आगे है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो है इशू की जाती है, मीन्स स्पेशल पर्सन की तरफ से जो है इशू की जाती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनली एक्सपर्ट्स होते हैं। और जो है रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट का यहाँ पे मतलब है वो एक ऐसी बॉडी है जैसे एक ऑफिस हो जाता है, कि एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसी बॉडी है जो कि रिलेट करती है वेरियस एस्पेक्ट्स के साथ, जिसके साथ जो है हम मेजर कर पाते हैं जो भी हमने अकाउंटिंग के साथ ट्रीटमेंट किए हैं उनको, एंड डिस्क्लोज कर पाते हैं अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को एंड इवेंट्स को। मीन्स जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है ट्रांजेक्शन की जाती हैं, इवेंट्स किए जाते हैं, उन्हें अच्छे से जो है डिस्क्लोज कर पाते हैं दूसरों के सामने। तो जो अडॉप्शन है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना है, उन्हें एप्लीकेबल करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो ये हमें इंश्योर दबाता है। इंश्योर मीन्स ये हमें श्योरिटी देता है इस चीज़ की कि जो भी हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं वो यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी हैं, मीन्स जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उनमें सारी यूनिफॉर्मेलिटी है और साथ में जो है कंपेरेबिलिटी है। कंपेरेबिलिटी मीन्स जिसे हम दूसरी कंपनी के साथ या फिर अपने ही प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो है कंपेयर कर पाते हैं और डिफरेंस जान पाते हैं कि हमारा कहाँ पर डिफरेंस है। आगे है नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमें क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने की। सबसे पहली जो है रिमूवल ऑफ वेरिएशंस। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं
वो जो है वेरिएशंस जो डिफरेंस है उनमें जो है रिमूव कर देता है, जो भी डिफरेंस है हमारा स्टेटमेंट्स में उन्हें रिमूव कर देता है। तो इसलिए जो है इसकी ज़रूरत है रिमूव करने के लिए। रिमूव कैसे करता है? अगर जो सारी चीज़ें हैं वो सेम वे में चल रही हैं तो सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट सेम बन रही हैं तो वो रिमूव कर देता है वेरिएशंस को। जैसे कि ये हमें फील कराता है कि एलिमिनेट कर देता है जो वेरिएशंस हैं उन्हें, एलिमिनेट मीन्स ख़त्म कर देता है। और जैसे कि मेथड्स हैं वैल्यूएशन के, अगर हम स्टॉक को वैल्यूएट कर रहे हैं, स्टॉक की वैल्यू जो है जान पा रहे हैं, कोई मेथड है डेप्रिसिएशन का उसे भी ख़त्म कर देता है। अगर यूनिफॉर्मिलिटी के साथ चलते हैं तो अगर गुडविल की कोई ट्रीटमेंट है, हम गुडविल को कैसे जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में यूनिफॉर्मिलिटी लेके आ सकता है और वेरिएशन जो है उनमें रिड्यूस कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। सेकंड है यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो जो यूज़र्स हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट के वो रिक्वायर करते हैं, उन्हें ज़रूरी है कि यूनिफॉर्मिलिटी लेके आएँ जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है। यूनिफॉर्मिलिटी मीन्स उन्हें सभी में जो है यूनिफॉर्म में एक जैसा ही बनाकर लेकर आएँ। तो इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि जो आज के टाइम की नॉर्मल एग्जांपल है। जैसे कि आपको पता ही है, आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो है आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? ताकि यूनिफॉर्म जो है क्यों पहनाई जाती है, क्यों स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म डालने के लिए बोला जाता है, कंपल्सरी क्यों होती है यूनिफॉर्म इन द स्कूल फॉर स्टूडेंट्स? यो इसका रीज़न यही है ताकि जो है अगर कोई जो है ये क्लैरिफाई करना चाहे कि स्कूल में जो पर्सन प्रेजेंट है तो वो क्या है, कौन से स्टेटस पे है, वो एज अ स्टूडेंट है, एज अ टीचर है, एज अ एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन की तरह है, तो वो है कौन, मीन्स उसे क्लैरिफाई करने के लिए। तो इसलिए जो है और सबको एक जैसा समझने के लिए यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा बनाने के लिए जो है यूनिफॉर्म जो है वो बोली जाती है स्टूडेंट्स को पहनने के लिए। और सम स्कूल्स, कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टीचर्स जो हैं वो भी यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं वहाँ पर टीचर यूनिफॉर्म वेयर नहीं करते हैं। तो अगर जो है टीचर भी यूनिफॉर्म वेयर करते हैं तो उस चीज़ से भी ये क्लैरिफाई हो जाता है कि जो भी वो पर्सन जो है जिसने जो है यूनिफॉर्म डाली हुई है वो टीचर वाली यूनिफॉर्म डाली हुई है, दैट मीन्स ही और शी इज़ अ टीचर। अगर कोई और पर्सन है यूनिफॉर्म नहीं डाली है तो वो कोई और पर्सन होएगा, वो टीचर नहीं होएगा। सो इस चीज़ से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि अगर वो स्कूल की यूनिफॉर्म है तो हम दूर से ये क्लैरिफाई कर सकते हैं एज अ फार अवे कि वो जो है स्टूडेंट है और वो टीचर है, ठीक है। और अगर एनी अदर पर्सन है देन हम जो है जिसने ना यूनिफॉर्म टीचर वाली डाली है ना स्टूडेंट वाली डाली है तो उसे ये क्लैरिफाई हो जाएगा ये जो है पेरेंट्स हैं या फिर कोई और पर्सन है। इज़ इट क्लियर? सो इसीलिए जो है यूनिफॉर्म जो है वो ज़रूरी हो जाती है। सो सेम वे में अगर हमने अकाउंटिंग जो है वो बनाई हुई है, अगर हमारे अकाउंट्स को कोई और पर्सन आकर हमारी जगह पर चेक करे, लाइक अगर आप एक कंपनी में काम करते हो तो अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका जो मेथड है काम करने का वो डिफरेंट है, और अगर आप उसको कंपनी को छोड़कर चले जाते हो तो उस जगह पे कोई और पर्सन आके आपकी जगह पे काम करना शुरू कर देता है, तो फिर वहाँ पे जो है जो आपने काम किया है तो दूसरे पर्सन की द्वारा जो आपकी जगह पर आया है रिप्लेस होकर आया है उसे तो आपका मेथड नहीं समझ लगेगा कि आप क्या क्या काम कर रहे हो। तो इन चीज़ों को यूनिफॉर्म में आने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए जो है स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि अगर एक पर्सन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो दूसरा पर्सन भी उसे देखकर जज कर पाए और देखकर उस ट्रीटमेंट को समझ पाए कि वो ट्रीटमेंट उसने कैसे की है और किस वे में की है। तो वो तभी पता चलेगा जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी के लिए सेम होंगे, तभी पता चलेगा जब वो मेथड सारे सेम अप्लाई होंगे, तभी पता चलेगा जब जो है एक पर्सन अच्छे वे में जो है वो स्टैंडर्ड्स के साथ जो है काम करेगा। सो इसलिए जो है इसकी ज़रूरत है कि अकाउंटिंग को प्रेजेंट करने के लिए, अकाउंटिंग को बनाने के लिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उनमें यूनिफॉर्मिलिटी लेके आ पाएँ ताकि जो है दूसरा पर्सन उस चीज़ को देखकर जो अच्छे से जज कर पाए और उन्हें जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो पाएँ। थर्ड पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ मैनिपुलेशन। सो इसमें जो क्या है, जैसे कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स जनरेट वैक्यूम व्हिच रिजल्ट इनटू अकाउंटिंग
scandals and the failure of business enterprises. मैनिपुलेशन होता है जैसे कि अकाउंट्स में कई बार जो है कुछ लोग जो है वो क्या कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं अकाउंट्स को, मींस के गड़बड़ी कर देते हैं अपने प्रॉफिट को दिखाने के लिए, जो है पर्संस गलत जो है वो अमाउंट उसमें जो है डालकर जो है उसकी एंट्रीज गलत कर उसे जो है नेगेटिव में शो कर देते हैं, जिससे हमारी वैल्यू जो गुडविल है वो भी कंपनी की डाउन हो जाती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई दूसरा पर्सन जो है वो धोखा खाने से जो है या फिर फ्रेड से जो है वो क्या हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है. तो इन चीज़ों को मैनिपुलेट ना कर पाए, कोई अकाउंट्स को मैनिपुलेट ना कर पाए, तो इसी चीज़ के लिए जैसे कोई स्कैंडल हो जाता है कुछ गलत चीज़ के लिए आप जो है फंस जाते हो, कि अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, कोई फेलियर हो गई है, लॉस हो गया है, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए और एज अ एविडेंस, एक एविडेंस के तौर के ऊपर जो है आप इससे जो है आपके लिए बेनिफिट हो जाता है एक एविडेंस के लिए. सो एविडेंस भी इसका एक पॉइंट हो सकता है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपके अकाउंट्स को एविडेंस की तौर पे जो है प्रूफ के तौर पे जो है हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर इन अ केस ऑफ सू, अगर किसी ने आपके जो अगेंस्ट जो है सू कर दिया है, केस कर दिया है, तो उस केस में जो है आप एविडेंस के तौर के ऊपर जो है उसे यूज़ कर सकते हैं. सो इसमें अवॉइडेंस ऑफ मैनिपुलेशन का क्या हुआ, इस पॉइंट में क्या बताया गया है, तो ये पॉइंट ये है कि अगर कोई भी ऐसा स्कैंडल या फिर फेलियर होता है जो बिजनेस है उसके अकाउंट्स में कोई ना कोई ऐसी मैनिपुलेशन कर दी जाती है, गड़बड़ी कर दी जाती है, जिस हिसाब से जो है उसका बिजनेस डाउन में जाना शुरू हो जाता है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इस चीज़ को जो है रिमूव कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं. अवॉइडेड मीन्स अवॉइडेंस. तो इस हिसाब से, क्योंकि अगर सारे पर्सन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे उस हिसाब से जो, तो उनके पास कोई मैनिपुलेशन करने का, कोई स्कैंडल करने का दूसरे पर्सन के पास कोई हक नहीं होता है, तो उन्हें जो है वो आंसरेबल होना पड़ता है कि अगर कोई ऐसा काम करता है. सो अगर इन चीज़ों से बचने के लिए जो है, स्कैंडल्स फेलियर से बचने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैनिपुलेट होने से बचाते हैं, अवॉइड कर देते हैं. आगे है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस को ग्लोबलाइजेशन में क्या है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस जो है वो आज के समय में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में मर्ज कर दिया गया है. मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी है, जो फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आकर काम कर रही हैं. तो कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो इंडिया की कंपनीज है लेकिन वो फॉरेन में जाकर जो है वो वहाँ पे काम कर रही हैं. तो वो क्या कर रही हैं, अगर ऐसा काम हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, तो अगर जो है एक पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है बाकी बाहर काम कर रहे हैं, अगर एक मेन ब्रांच यहाँ, मेन हेड यहाँ पे है, बाकी ब्रांचेस किसी और कंट्री में हैं और स्टेट में हैं, अगर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं तो सारे उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे. तो अगर जो है हमने जो है किसी और कंट्री के जो ब्रांच है वहाँ से हमने मंगवा कर जो है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होगा, स्टैंडर्ड्स तो सेम होंगे, तो उन्होंने भी सेम वे में एंट्रीज डाली होंगी, उनकी भी अकाउंट सेम ही बने होंगे, तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करना ईजी हो जाता है. इसके साथ कि अगर हम ग्लोबलाइज लेवल के ऊपर जो है बिजनेस चला रहे हैं तो उस वे में जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा, कि हम जो है अपने डाउट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ईजिली जो है अंडरस्टूड कर पाएंगे और उसे जो है क्लियर कर पाएंगे. नेक्स्ट है डिस्क्लोज़र बियॉन्ड लॉ. डिस्क्लोज़र बियॉन्ड लॉ में क्या है, क्योंकि जो है यहाँ पे बहुत सारे सर्टेन एरियाज हैं अकाउंटिंग के, वहाँ पे जो है लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता है कि डिस्क्लोज़ कर पाए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे बिजनेस की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उन्हें डिस्क्लोज़ कर पाना जो है वो सही नहीं होता है. तो उन केसेस में क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं मे कॉल फॉर द डिस्क्लोज़र ऑफ सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उन्हें जो है सिर्फ उन लोगों को ही, तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो जो है डिस्क्लोज इस टाइप की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं जिनके साथ जो है उन्हें बेनिफिट हो, दूसरे पर्सन को बेनिफिट हो, और जो कि लॉ के दायरे में रहकर ही काम करें. तो वही जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक लॉ की तरह वर्क करता है, कि सारे जो है उसी हिसाब से काम करें, कि ये जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं तो वो जो है वही इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाते हैं जो कि रेलिवेंट हो, इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो
दूसरों तक पहुंचाने का काम नहीं करते हैं जो अनलीगल हो या फिर अनलॉफुल हो। नेक्स्ट है फीचर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो फर्स्ट है ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ये कहाँ से बनाए गए हैं, जो ICAI की तरफ से बनाए गए हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड ये है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है कि डिस्क्लोज करे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, कि प्रेजेंटेट किदा कैसे करना है और प्रिपरेशन कैसे करनी है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो यही प्रोवाइड करते हैं कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, उसे जो है अच्छे से डिस्क्लोज़ किया जाए, अच्छे से डिस्क्लोज़ किया जाए, उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उनको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरे पर्सन्स के सामने। सेकंड है एज एंजॉय वाइड एक्सेप्टेबल एज इशूड बाय ICAI। तो जो भी ICAI की तरफ से इशू किया जाता है वो ऐसा इशू किया जाता है जो दूसरे पर्सन उसे ईजिली एक्सेप्ट कर पाए। आगे है एज कैन बी अमेंडेड एंड व्हेन सिचुएशन डिमांड, और उन्हें जो है अमेंड कर पाएँ, चेंजेस कर पाएँ जब भी उसकी डिमांड हो, जब भी सिचुएशन के हिसाब से हमें डिमांड हो कि हमें इसमें कुछ चेंज करना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि हम उसी हिसाब से जो है चेंज कर पाएँ। तो आगे है एज आर द बेसिस फॉर प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है उनके कुछ बेसिस जो हैं वो फाइनल किए जाते हैं, तो उन बेसिस के ऊपर ही जो है इसे बनाया जाता है। आगे है सम ऑफ द कंसेप्ट लाइक कॉन्टीजेंसीज, अनसर्टिनिटीज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैल बी क्लियरली डिफाइंड। और कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जैसे कॉन्टीजेंसीज हो गई, अनसर्टिनिटीज हो गई, कोई रिस्क वगैरह वेयर हो गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो बना दी, तो उन्हें क्लियरली डिफाइन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। आगे है एज डील विद बोथ, ये जो है कंसोलिडेशन के साथ भी डील करता है, सेगमेंट्स के साथ भी डील करता है जब फिनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। मींस जब भी हमने जो है इसकी ऑडिटिंग वगैरह करवानी होती है तो पूरे सेगमेंट्स में जो है इनकी ऑडिटिंग की जाती है, कंसोलिडेट बनाया जाता है। कंसोलिडेट होता है जैसे कि अगर अलग अलग जगह पर जो है बिजनेस चल रहा है तो हमने पूरे बिजनेस का एक साथ देखना है कि उसमें हमें टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है सभी ब्रांचेस को मिलाकर, तो हम जो है एक कंसोलिडेट फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे और रिपोर्ट करेंगे जिस हिसाब से पता चल जाएगा। आगे है इट हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। दो तरह की फर्म है, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटर फर्म मीन जब हम जो है फर्म के अंदर ही एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर लास्ट ईयर का करंट ईयर के साथ जो है डिफरेंस कंपेयर करते हैं। आगे इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म है जो फर्म से बाहर जाकर अपनी फर्म का किसी और फर्म के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कंपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं। आगे है प्रोसीजर हैव बीन लेड फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ज्वाइंट वेंचर। जो प्रोसीजर होता है लेट डाउन किया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ, वो ज्वाइंट वेंचर की तरह काम करता है, मीन्स रिस्क वेयरिंग होता है। ज्वाइंट वेंचर वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। आगे है लास्ट पॉइंट है इट टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइमली, ये हमें टाइम की इम्पॉर्टेंस बता देता है और एक्यूरेट बना देता है हमारी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को बिजनेस की, जो कि रेगुलर इंटरवल्स की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव में क्या है, इनका क्या उद्देश्य है, क्या मेन एम है। फर्स्ट है टू फैसिलिएट इंटर फॉर्म एंड इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, ये फैसिलिएट करता है कि हम कंपैरिजन कर पाएँ फॉर्म के अंदर भी और फॉर्म के बाहर दूसरी के साथ भी, तो ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इंटर फॉर्म एंड इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन दोनों ही अच्छे वे से कर पाएँ। सेकंड क्या है, टू इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, और ये हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलायबल बनाता है, अच्छे ढंग से काम करने के लिए रेलिवेंट बनाता है। आगे है टू हार्मोनाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, और ये जो है हार्मोनाइज करता है कि हम डिफरेंट अकाउंटिंग
पॉलिसीज़ को जो है कैसे अप्लाई करें। आगे है टू रिमूव वेरिएशंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये जो है जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है उनकी ट्रीटमेंट्स में जो भी वेरिएंसेस आती हैं, जो भी डिफरेंसेस आते हैं, उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। आगे है टू इंश्योर ईजी अंडरस्टैंडबिलिटी, जो भी यूज़र्स हैं उनके दोबारा इसे ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू अटेन इंटरनेशनल लेवल, अगर हमने ग्लोबलाइजेशन लेवल के ऊपर भी काम करना है तब भी जो है हमें इजी हो जाता है इन चीज़ों को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इससे हमें जो है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल मीन्स अच्छे ढंग से प्रॉपर मिल जाती है, वैल्यूएबल जो होएगी, वैल्यूएबल मीन्स जो रेलिवेंट होएगी हमारे लिए। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वेरिएशन, ये सारी वेरिएशंस को रिमूव कर देता है। सारी वेरिएशंस को कैसे रिमूव करता है, जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें ख़त्म कर देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे है एनहेंस द कंटेंट, इसमें जो है हम कंटेंट हमारे जो है वो एनहेंस कर सकते हैं, उन्हें अच्छे वे से यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर एक चीज़ के बारे में। प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो प्रॉपर बता देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, अगर हमने बैलेंस शीट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया हुआ है। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम कंपेयर कर पाते हैं डिपार्टमेंटल वाइज भी और फॉर्म के वाइज भी, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ भी जो है हम कंपेयर अच्छे से कर पाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट इज़ ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ बिजनेस, इसके साथ जो है हम ट्रू मीन्स जो सही है, फेयर मीन्स जो प्रॉपर जो है वो ही जो है सही इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस की वो दे पाते हैं और पोजीशन को बता पाते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ पे है स्टेट कर रहा है। आगे एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इज़ नोन, यहाँ पे जो है जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है उसे ही जाना जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्रिंग यूनिफॉर्मेलिटी एंड स्टेटमेंट्स, इनके साथ जो है यूनिफॉर्मेलिटी भी आती है स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट है प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में ये कुछ पॉइंट्स हैं तो वो जो है ये प्रोसीजर मैंने साइड पे आपको एक शो किया गया है स्टेप वाइज के, पहले यहाँ पे एरिया को जो भी एएस के द्वारा फॉर्मुलेट किए जाते हैं एरियाज, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर स्टडी ग्रुप किया जाता है, ग्रुप स्टडी की जाती है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कि जो भी कॉन्स्टिट्यूट बनाया गया है, फिर ड्राफ्ट बनाया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है उसे, फिर सर्टेन व्यूज जो है वो डिफरेंट बॉडी से लिए जाते हैं ड्राफ्ट के ऊपर, उसके बाद जो है फाइनलाइज किया जाता है कि ड्राफ्ट को कौन सा ड्राफ्ट हमने सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद पब्लिक कमिटमेंट भी देखते हैं कि पब्लिक उनके ऊपर क्या कमिटमेंट रिसीव करती है, फिर मॉडिफाई कर दिया जाता है ड्राफ्ट को, लास्ट में क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कर दिया जाता है। सो यो ICAI जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसने कब बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाई है जिसे हम बोल देते हैं ASB, वो 21 अप्रैल को 1977 में उसे बनाया। तो इसी ASB का एम क्या था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना बाय कंसीडरिंग लॉ एक लॉ की तरह, कस्टम की तरह, वेजेस के लिए, बिजनेस के एनवायरनमेंट के लिए, इन अ लाइन विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ताकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ जो है हम देख पाएँ और जो है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जिसे हम IFRS बोल देते हैं उनके हिसाब से जो है अपने स्टैंडर्ड्स को बना पाएँ। तो टोटल जो है ICAI ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड कौन कौन से है, 32 के 32 ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर फॉर्मुलेटिंग, अब जो है ना मैंने ग्राफ की फॉर्म में या फिर एक ड्रॉ की डायग्राम की फॉर्म में बनाया है, अब हमने हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोर्ड एरिया, सो फर्स्ट स्टेप यही है प्रोसीजर का कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए एक बोर्ड एरिया को सेटिंग की जाती है, बोर्ड एरिया की, बोर्ड एरिया मीन्स यहाँ पे हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रुप स्टडी, और जो भी जो है ग्रुप स्टडी की जाती है ड्राफ्ट बनाए जाते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कि कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पे सही होएगा। थर्ड इज़ कॉन्सिड्रेशन ऑफ ड्राफ्ट, जो कॉन्सिड्रेशन है उनके ऊपर अलग अलग जो है कॉन्सिड्रेशन ही जाती है, कंसिडर किया जाता है, ये थर्ड स्टेप है। आगे है सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट जो है उसे सर्कुलेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट डिफरेंट
जो बोर्ड है वहाँ पे काउंसिल, जैसे काउंसिल्स हैं वहाँ पे भेजा जाता है, मेंबर्स हैं आईसीआई के, आईसीएआई के, जहाँ पे 12 आउटस्टैंडिंग बॉडीज होती हैं, वहाँ पे जो है इनसे ड्राफ्ट को भेजा जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, ताकि वो अपने अपने व्यूज़ उसके ऊपर दे पाएँ। जैसे कौन कौन सी किया जाती है, एक है सीआईआई, जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आगे है सेबी, सेबी को बोल देते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज सीएजीआई, जो है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे हैं। नेक्स्ट है मीटिंग फॉर रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ मीटिंग कंडक्ट की जाती है, जो कि आउटसाइडर बॉडीज़ हैं उनके साथ मीटिंग कंडक्ट की जाती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो कि आउटसाइड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ जो है मीटिंग कंडक्ट की जाती है, ताकि उनके व्यूज़ जो हैं वो जान पाएँ। आगे है फाइनलाइजिंग द एक्सपोजर ड्राफ्ट, आफ्टर मेकिंग इनको व्यूज़ को लेने के बाद जो है जो प्रपोजल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्हें फाइनलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इश्यूएंस फॉर पब्लिक कमिटमेंट, तो वो उसके बाद क्या है, पब्लिक कमिटमेंट के लिए भी उन्हें भेजा जाता है, ताकि पब्लिक के जो है उन्हें रिव्यू लिए जा सके उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो नेक्स्ट है फाइनल इशू ऑफ बाय अथॉरिटी, आफ्टर पब्लिक रिव्यू, पब्लिक जब रिव्यू दे देती है, नेसेसरी नोटिफिकेशन दे देती है, देन जो है फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अथॉरिटी ऑफ काउंसिल के द्वारा इशू कर दिया जाता है कॉमर्स में। प्रेजेंट स्टेटस क्या है एएस का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंडिया में विद रिगार्ड टू ए आईएएस, मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जो SA1 है, AS1 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे पॉलिसी आएगा, गलती से पॉली लिख हो गया, पॉलिसी। फर्स्ट में क्या है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उन्हें डिस्क्लोज करना होता है। सेकंड क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी, उसके बारे में डिटेल में बता दिया जाता है वहाँ पे। थर्ड इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो बनाते हैं कि कैश का बिजनेस में कितना फ्लो होएगा, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, तो वो एक स्टेटमेंट बना दी जाएगी। फोर्थ वाला क्या है, कॉन्टीजेंसी आफ्टर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कॉन्टीजेंसीज आएगी, क्या क्या डिफरेंस है। आगे है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, क्या डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा हम मेथड यूज़ करेंगे, ये डिसाइड कर दिया जाता है। पूरे मेथड्स को जो है वहाँ पे बताया गया होता है कि किस मेथड के, इस मेथड के हिसाब से कितनी परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की चार्ज की जाएगी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। सिक्स्थ वाला है नेट प्रॉफिट एंड लेस, जैसे नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो नेट लॉस है वो पीरियड का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सेवन्थ है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे उन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। एट्थ है जो अकाउंटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, अगर कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा रही है तो उसके हिसाब से क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए। आगे है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रेवेन्यू मीन्स यहाँ पे रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, देखा जाता है कि कैसे करना है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को कैसे ट्रीटमेंट करनी है, उसकी कैसे उनकी अकाउंटिंग करनी है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, मीन्स गवर्नमेंट्स ने जो ग्रांट्स दी हुई हैं, जो उन्हें ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्हें कैसे अकाउंटिंग उनमें करनी है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है, ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया है, तो उसको कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर अलगामेशन, अलगामेशन मीन्स अगर जो है हम अलगामेट कर रहे हैं कि अपनी कंपनी को अलग कर रहे हैं या फिर एक साथ मर्ज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैसे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, मीन्स कौन सी चीज़ अप्लाई की जाएगी। आगे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव जो है वो कैसे पे किए जाएंगे। नेक्स्ट इज बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग की कॉस्ट के हिसाब से उनके इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कैसे करने हैं वो भी डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंट रिपोर्टिंग, अगर कोई रिपोर्टिंग का सेगमेंट है तो उसे कैसे ट्रूथफुल बनाना है, कैसे सही बनाना है। नेक्स्ट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, दूसरी पार्टी जिसके साथ जो है वो डील कर रहा है उस पार्टी के साथ कैसे डिस्क्लोज करनी है इंफॉर्मेशन। आगे है लीज़, लीज़ होता है जब हम किसी भी बिल्डिंग को लीज़ के ऊपर लेते हैं, मीन्स थोड़ा सा उधार रेंट पे लेते हैं, लीज़ मीन्स रेंट पे लेना सिक्योरिटी के साथ। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कैसे अर्निंग करनी है वो भी डिसाइड किया जाता है।
नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे कंसोलिडेट एक साथ बनाया जाएगा, मीन्स मर्ज कर दिया जाएगा एक में, तो वो भी देखा जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम। अगर इनकम टैक्स लग रहा है तो उसके हिसाब से कैसे अकाउंटिंग की जाएगी। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अगर एसोसिएट्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होएगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस कैसे होंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, और सारे जो है अलग अलग जो है वो दिखाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्क्लूजन। इसके अलावा जो है वो 24 जो है मैंने 24 ही इसमें लिखे हैं, और नेक्स्ट और भी हैं, 8 और हैं, 32 के 32 जो है वो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। 25th वाला जो है वो है, 25th है इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर हमने इंटरिम होता है कि अगर हमने जो है मिड में ही फिनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी है उसमें। नेक्स्ट है कि 26 है इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट करनी है। 27th है फिनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड ज्वाइंट वेंचर। अगर ज्वाइंट वेंचर्स हैं, रिस्क वेयरिंग कंपनी चलाते हैं, तो वो कैसे फिनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट है इंपार्टमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स के साथ कैसे हम इसे इम्पेयर करेंगे। उसके बाद है प्रोविज़न कॉन्टिजेंट लेबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। तो जो भी प्रोविजन है लेबिलिटी एंड एसेट्स की, तो उन्हें कैसे हमने ट्रीट करना है। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज एंड मेजरमेंट, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेज़र करना है स्टैंडर्ड्स को। उसमें है रिप्रेजेंटेशन, तो इसे कैसे प्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग को। एंड लास्ट में है कि लिमिटेड और जो भी डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं तो उनमें कैसे रिवाइज करना है उसको, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हार्मोनाइज कर दिए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बनाए जाते हैं विद द प्रॉपर प्रोसीजर। कौन से प्रॉपर प्रोसीजर के साथ बनाए जाते हैं, जो कि ICAI की दोबारा फॉलो किया जाता है। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल होते हैं नेचर में, और कैन बी चार्ज टाइम टू टाइम। इन्हें टाइम टू टाइम चार्ज किया जाता है एज़ पर नीड ऑफ टाइम, टाइम की नीड के हिसाब से और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS के हिसाब से। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो देन यू हैव टू कमेंट मी। एंड ऑल्सो टेल, अगर आपको कोई अदर टॉपिक के बारे में आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उसमें जो है मुझे बता सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। MOP है, कॉमर्स का, कोई भी चार सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए देन आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लैरिफाई करने की मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाऊँ। और प्लीज़ इसे कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि जो है चैनल जो भी बेनिफिट है उसका और भी लोग जो है वो ले पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड एट लास्ट आई विल लाइक टू से, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि जो है आपके लिए पूरी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।